आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। कोरियन रामेन, रामियन नूडल्स आजकल बहुत पॉपुलर है और इसके रेडीमेड पैकेट्स भी मिल जाते हैं, बट रेडीमेड को एज एस खाने में उतना मजा नहीं है। नूडल्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं उसमें ऐड कर रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये किमची रामेन का पैकेट, ये रेडीमेड इंस्टेंट नूडल्स है, 80 ग्राम्स का पैकेट है। मुझे चाहिए थे वेजिटेरियन नूडल्स ताकि जो लोग देख रहे हैं अगर वो सेम ट्राई करते हैं और उन्हें एग स्किप करना है तो वो पूरी तरह से इस वेजिटेरियन नूडल्स को बना सके। तो कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है पनीर, अगर आपको पनीर नहीं यूज़ करना है, टोफू आप पसंद करते हैं अवेलेबल है आपके यहाँ पर, तो आप पनीर की जगह पर टोफू भी यूज़ कर सकते हैं। तो 100 ग्राम यहाँ पर मैंने लिया है। मुझे पता है कि रेसिपी बनने तक ये 100 पूरा नहीं होगा क्योंकि इसमें से कुछ पीसेस तो मैं ऐसे ही खा जाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एनीवे अपने टेस्ट के हिसाब से 100 ग्राम या उससे थोड़ा सा कम भी आप पनीर ले सकते हैं। नेक्स्ट है गाजर, तो जो मीडियम साइज़ का गाजर है उसका आधा यहाँ पर मैंने लिया है। इसकी मैं पतली पतली पहले स्लाइसेस कट कर रही हूँ और उसके बाद जूलियंस कट करूँगी। आप इसे चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। हरे प्याज से रामेन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हरा प्याज तो हमारे यहाँ भी बहुत आसानी से मिलता है, तो 3 से 4 आप ले सकते हैं। यहाँ पर पहले अच्छे से वॉश कर ले, इसमें काफ़ी मिट्टी लगी होती है। तो सामने का जो प्याज वाला हिस्सा है ये भी यूज़ करना है और जो ग्रीन वाला है ये भी यूज़ करना है। सामने का जो प्याज वाला हिस्सा है इसके ऊपर की ड्राई लेयर निकाल दें, इसकी रूट्स निकाल दें और फिर इसे चॉप कर लें। तो ऑयल में फ्राई करते समय हम इसे भी यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हरा प्याज भी यूज़ करेंगे, ऑयल में बहुत अच्छा फ्लेवर इसका ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है लहसुन, तो 2 से 3 कलियां या फिर जैसा आप पसंद करते हैं स्लाइस कर लें या फिर चॉप कर लें। नेक्स्ट मैं ओपन कर रही हूँ नूडल्स का पैकेट। अब इसके अंदर जो मसाला है वो थोड़ा सा मैं कैरेट को फ्राई करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है नूडल्स की, पर साथ में है ये मसाले का पैकेट। तो ये वेजिटेरियन नूडल्स है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, किमची फ्लेवर वाले हैं। सबसे पहले कैरेट को थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे, तो एक पैन या कढ़ाई गरम करें और डालें थोड़ा सा तेल। तेल को अच्छे से आप पैन में स्प्रेड कर लें, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो गया तो बची हुई वेजीज को फ्राई करने में वो काम में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जाएगा कैरेट, थोड़ा सा नमक और एकदम थोड़ा सा जो पैकेट वाला मसाला है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसे स्टर फ्राई कर ले जब तक ये थोड़ा सा पक ना जाए, पर बहुत ज़्यादा इसे कुक ना करें, बहुत ही लूज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। स्टर फ्राई ये हो गया है, अब स्टर फ्राई जब ये हो जाए इसके बाद आप इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लें। अब सेम पैन में मैं फ्राई कर रही हूँ पनीर, थोड़े थोड़े दोनों साइड से, तो स्टील के पैन में यूजुअली ये चिपक जाते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें निकालने में, या तो आप इन्हें अलग से किसी नॉनस्टिक पैन में आप फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हल्का सा फ्राई किया और पनीर भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आपको कहा था ना कि 100 ग्राम पनीर लिया है मैंने और पूरा का पूरा नहीं जाने वाला है रामेन के बोल में। खैर कोई बात नहीं, ये भी हो गया है तो इसे भी मैं निकाल रही हूँ। अब सेम पैन में कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, लगभग 2 टीस्पून प्याज फ्राई हो जाए इतना ऑयल। सबसे पहले लहसुन डालकर इसे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करें और उसके बाद डालें इसमें प्याज। प्याज का जो सामने का हिस्सा है उसके साथ साथ हरा प्याज भी डालें, हरे प्याज की वजह से ऑयल में एक बहुत अच्छा फ्लेवर उतर जाता है, तो ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा आप बाद में फ्रेश डालने के लिए भी रखें, पर ऑयल में भी फ्राई ज़रूर करें।
नेक्स्ट इसमें जाएगा पानी। तो नूडल्स के ऊपर जितना लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो जो पैकेट मैंने खरीदा है उसमें 400 ml लिखा है। साथ में जाएगा मसाला। अब इसमें एक उबाल आने के बाद मैं इसमें डालूंगी नूडल्स। अब इन नूडल्स को हमें पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, यानी जब तक ये पक ना जाए। इन नूडल्स के पैकेट पर सजेस्ट किया हुआ है कि सूपी नूडल्स बनाएं, तो वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि सूपी ही बनाऊंगी, बट अगर आपको इतना सूपी नहीं बनाना है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से पानी कम भी कर सकते हैं। तो नूडल्स रेडी है, ये है बोल जिसमें मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। तो बोल में जाएंगे गर्मा गर्म नूडल्स। नेक्स्ट मैं फटाफट बना रही हूँ एक अंडे का ऑमलेट। अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर एग नहीं खाते हैं तो इस स्टेप को आप टोटली स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक अंडा। अंडे के साथ साथ मैं केवल नमक डाल रही हूँ, कोई और सीजनिंग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नूडल्स और बाकी चीज़ें काफ़ी फ्लेवरफुल है। तो दोनों तरफ से पलट कर मैं इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो जो सनी साइड अप होता है, हाफ फ्राई होता है, वैसा एग भी बना सकते हैं अपने टेस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से। तो बस ये ऑमलेट भी रेडी है, प्लेटिंग कर लेते हैं। नूडल्स तो गए हैं बोल में, साइड में जाएगा ऑमलेट और जो बाकी की वेजीज है जैसे कि गाजर और फ्राई किया हुआ पनीर, हरा प्याज, ये सारा मैं ऊपर डालकर इसे गार्निश करूंगी। हरा प्याज आप एक साइड में रख सकते हैं या फिर ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स बीच में, थोड़ा रेड कलर ऐड करने के लिए और टेस्ट के लिए भी, और ऊपर से थोड़ी सी तिल। बस हमारा ये गर्मा गर्म रामेन का बोल तैयार है। तो एज ए सिंपल से इंस्टेंट नूडल्स खाने से ज्यादा मजा इसमें आएगा। अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। टेरेस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।